नमस्कार, स्वागत है आपका कैंपस न्यूज 24x7 में। भैंस चुराकर कैसे बनी आईएएस अधिकारी, प्रेरित करने वाली कहानी। कहा जाता है अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल हासिल हो ही जाती है। भारत में आज भी ऐसे घर हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उनका सीधा असर उन घरों के बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। ऐसे ही परिवार से आती है केरल के रहने वाले सी वनमती, जिनका पूरा बचपन संघर्षों से भरा रहा है। उनकी कहानी आज उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो कम संसाधन में पढ़ाई करके एक कामयाब आईएएस अधिकारी बनने का सपना रखते हैं। तमिलनाडु के इरोड जिले में रहने वाली सी वनमती पशुपालक थी। बचपन से ही वो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहती थी, ऐसे में वो अधिकांश समय पढ़ाई करने और मवेशियों की देखभाल करने में लगाती थी। बता दें उनके पिता एक कैब ड्राइवर थे जिससे उन्हें कम सैलरी मिलती थी, वही कम पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल था। परिवार में आर्थिक तंगी के बावजूद पिता ने अपनी बेटी को बेहतर शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने उसे किताबें और अन्य आवश्यक चीजें दी जो बेटी के पढ़ाई के लिए जरूरी थे। सी वनमती अपने गृह नगर के जिला कलेक्टर से बहुत प्रेरित थी जिनका सभी सम्मान करते थे। वह एक टीवी सीरीज गंगा जमुना से भी प्रेरित थी जिसका मुख्य किरदार एक आईएएस अधिकारी था। साल 2015 में वनमती ने यूपीएससी की परीक्षा दी और 152 रैंक हासिल की है।